कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान, अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी, खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, एक साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सेलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज ये क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम आजली क्या? स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013 एक दौड़ माँ गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस GDM, लेट्स मेक इट हैपन। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस को मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City at Vrindavan. और अब उत्तराखंड की करेंगे, जहां जेरे बहस एक ही सवाल है कि साहब देरी किस बात की। भाटिया आयोग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, आरोपियों के नाम जगजाहिर हैं, तो फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने में किस बात का संकोच किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं, देहरादून से सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रकाश सुमन ध्यानी साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। जी हां साहब, भारतीय आयोग पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में FIR दर्ज न होने से सरकार बैकफुट पर है। हालांकि मुख्यमंत्री साहब और कृषि मंत्री साहब ने साफ कर दिया है कि सरकार कार्रवाई से हिचकिचाएगी नहीं, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि कार्रवाई से आप हिचकिचाएंगे तो नहीं, लेकिन कार्रवाई करेंगे कब और वो कार्रवाई होती हुई जनता देखेगी कब, ये सवाल बड़ा है। भाटी आयोग पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, इतना कि कार्यवाही को स्थगित करना भी पड़ा, मगर कार्रवाई का एजेंडा एकदम ठंडा नजर आ रहा है। 19 मार्च को आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बावजूद दो दिन तक इस मामले में
कुछ नहीं हो सका है। वहीं डीजीपी ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। जब तक विभाग तहरीर नहीं देता तब तक रिपोर्ट लिखी जानी मुश्किल है। शासन का जब सूचना आएगी, जब मुझे अवगत कराएंगे, तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वो डिपेंड करेगा, देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। अगर अपराध यहीं से बनना शुरू हुआ है तो यहीं से दर्ज हो सकता है, नहीं तो यहां पर दर्ज करके नील नंबर पे ला करके वहां भेज सकते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। वहीं विभाग के अधिकारी तहरीर देने के लिए तैयार नहीं। सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि राजनीतिक भाईचारा निभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि सरकार कार्रवाई करने में पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज नहीं तो कल FIR दर्ज हो ही जाएगी। इसके अलावा और भी जो रिपोर्ट आएंगी उन पर कार्रवाई होगी। सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। इस समय एडवोकेट जनरल को हमने पूरी पत्रावली दे दी है, पूरी रिपोर्ट एडवोकेट जनरल के पास है और उसका वो परीक्षण करा रहे हैं। जैसे ही एडवोकेट जनरल से पत्रावली हमको आती है वैसे ही इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कानून अपना काम कर रहा है, विभाग अपना काम कर रहा है। हमने आयोग बनाने के बाद जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को भेज दी है, उसको स्टडी हो रही है और FIR फाइल होनी है, कभी भी हो जाएगी। इसमें FIR फाइल होना इतनी बड़ी बात नहीं, जितनी बड़ी बात यह है कि कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई इस तराई बीज निगम में। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी ने अब तक आक्रामक रुख अपना रखा है। वो देखना चाहती है कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। उसका साफ कहना है कि वो बेखौफ है। नहीं नहीं, जो सो कॉल्ड स्कैम जिसको सरकार भाटी आयोग के अंदर दी हुई है, सो कॉल्ड स्कैम, और मैं इसको भी सो कॉल्ड स्कैम कहता हूं भूमि घोटाले का, तो हम तो सो कॉल्ड दोनों के आगे लगा रहे हैं, आपके आगे भी अपने आगे भी। आइए मिलके हम निपटाएं, भ्रष्टाचार मुक्त करें प्रदेश को, डर काहे का। फिलहाल अभी दूर दूर तक नहीं लगता कि भाटी आयोग पर सियासत खत्म होने वाली है, लेकिन FIR की बात ने इस प्रकरण को दिलचस्प जरूर बना दिया है। भाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है और उसमें सच्चाई सामने आ चुकी है कि निशंक सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। बड़ी बात यह है कि क्या सरकार भी राजनीतिक भाईचारा निभा रही है निशंक से? कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी व गौरव पंत के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। दसमाना साहब, जो सवाल पंकज पवार पूछ रहे हैं हमारे संवाददाता, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या सरकार राजनीतिक भाईचारा निभा रही है निशंक जी से? देखिए, सरकार कोई भाईचारा नहीं निभा रही और सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भी कार्य नहीं कर रही है। सरकार का जो काम है सरकार कर चुकी है। सरकार ने जो आयोग बनाया था, आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को हाउस में टेबल किया गया है। और जहां तक FIR का बात आप कर रहे हैं, FIR करने में हम लोगों ने उसमें जो तमाम IPC की जो धाराएं हैं, हाँ, जो अपराध बनता है उसके बारे में AG से, एडवोकेट जनरल से परीक्षण करवाया जा रहा है। तो FIR जब जाएगी तो वो फुल प्रूफ FIR जानी चाहिए। FIR में कोई किसी प्रकार का लूपहोल नहीं होना चाहिए और FIR, आप ये मुतमईन रहिए कि FIR जरूर लॉज होगी, लेकिन FIR इस प्रकार से लॉज होगी, जो अपराध बनता होगा उस अपराध के अनुसार FIR लिखवा करके और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। दसमाना साहब जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, हरक सिंह रावत जी सरकार में कौन है? हरक सिंह रावत जी आप जानते हैं, पूरा जग जानता है कि वो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं। जी, यानी कि कैबिनेट मंत्री अगर मीडिया के सामने कोई बयान देता है तो क्या कैबिनेट मंत्री का बयान सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? निश्चित होती है। अगर हरक सिंह रावत जी ने यह कहा है मीडिया के सामने कि 19 तारीख को FIR दर्ज होगी तो क्या यह सरकार का वक्तव्य न माना जाए? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार का वक्तव्य, और अगर सरकार का वक्तव्य माना जाए जी, और वहां पर सुबोध उनियाल भी मौजूद थे, दिनेश अग्रवाल भी मौजूद थे, अगर ये सरकार का वक्तव्य माना जाए, दो दो कैबिनेट मंत्री और एक सुपर CM के सामने अगर ये ऐलान हो रहा हो और उसके बाद उस योजना पर उस ऐलान पर अमल ना किया जाए, तो क्या जो आरोप लग रहे हैं सेटिंग गेटिंग वाले, भाईचारे रिश्ते नातेदारी वाले, क्या इन आरोपों में दम ना माना जाए? नहीं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का दम नहीं है और आप ये मुतमईन रहिए, निश्चित तौर पे मैं इस बात को आपके सामने, जो आपने बात कही है कि
माननीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा करी थी, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सरकार पूरी तरह से जो तो फिर कृषि मंत्री जी को इतनी कृषि मंत्री जी को इतनी जल्दी क्यों थी? नहीं, कृषि मंत्री जी ने बयान दिया, उनका बयान था एफआईआर, वो डेट उसमें मैं समझता हूं जो मेंशन की गई है वो उसमें टेबल जो हाउस में रिपोर्ट टेबल होनी थी उसके बारे में उनको बताना था। हाँ। उसके बाद एफआईआर लॉज होने की कार्रवाई। अच्छा, यानी कि नहीं नहीं यानी कि मीडिया कर्मियों ने गलत सुना और गलत समझा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन स्लिप ऑफ टंग भी होता है। 19 तारीख को उन्होंने बोला तो कोई उसका आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं आप ये कह रहे हैं संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री और पहले नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण किरदार निभा चुके हरक सिंह जी रावत की स्लिप ऑफ टंग थी? वो होता है, बड़े बड़े लोगों का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है उस बात से हम कहीं पीछे नहीं हट रहे कि एफआईआर लॉज होगी। हाँ। लेकिन तारीख का जहां तक सवाल है, अभी रिपोर्ट टेबल हुई है। एक सवाल और के बारे में आपको मालूम है, सारी सरकार एक सवाल और हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होगी। सुबोध उनियाल ने परसों हमारे चैनल पर कहा कि नहीं, नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ये इतना कंफ्यूजन क्यों भाई? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुबोध उनियाल जी ने भी जो कहा और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने भी जो कहा उसके बारे में मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, इस मामले में कानूनी राय एफआईआर का जो मसौदा है उसके बारे में एडवोकेट जनरल से राय की जा रही है और तमाम कानूनी जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर इशारा किया गया है, जिनके बारे में बताया गया है जहां जहां अनियमितताएं हुई हैं। अरे रिपोर्ट में इशारा तो कुछ है ही नहीं, इस रिपोर्ट में धस्माना साहब इशारा तो कुछ है ही नहीं, क्लियर कट नाम लिखे हैं। निशंक जी के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम किया। हेमंत द्विवेदी के बारे में मैं तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं और आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एफआईआर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, घोटाला हुआ इस बात की जानकारी आप तक पहुंची ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया अगर घोटाला हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी तो लोग पूछ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि तारीख उसकी जो एफआईआर लॉन्च करने की तारीख है। हाँ। उसको कभी कोई तारीख ऐसे नहीं निकला करती है, तारीख अभी एफआईआर होगी। हाँ। ये आपको हम पूरा भरोसा दिला रहे हैं। हाँ। नामजद होगी जो जो उसमें लिप्त हैं एफआईआर में, अगर कभी कोई एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है नामजद होगी कि नहीं होगी, एफआईआर जो होगी तमाम जो उसमें खुलासे हुए हैं। हाँ। जो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए नामजद होगी कि नहीं होगी जी, नामजद होगी कि नहीं होगी, नेम्ड होगी कि नहीं होगी, जो जो लोग उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ऐसी एफआईआर की जाएगी जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धस्माना साहब जी, इशारों में बात बहुत हो गई जी, 8:42 हो गया। मैं अतुल प्रकाश सुमन ध्यानी जी और पूरा उत्तराखंड जो जानना चाहता है वो एक सवाल में सीधे पूछ लेता हूं। बाबू है, चपरासी है, क्लर्क है, होमगार्ड है, सिपाही है, इसका नाम आप डाल भी दो, फोटो भी लगा दो एफआईआर में, तो देश पर क्या फर्क पड़ता है? 10-5 बाबू सस्पेंड हो जाएं, 2-4 क्लर्क जेल चले जाएं, बोरा सिलने वाले, बोरा बेचने वाले, स्टोर कीपर जेल चला जाए, उससे उत्तराखंड की तारीख में क्या अंतर आएगा? मूल प्रश्न ये है, क्या उस जिस पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है रमेश चंद्र पोखरियाल, उस रिपोर्ट में जिसका नाम लिया गया है, क्या यह शासन रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक का नाम लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाएगा? हाँ या ना, बात खत्म। इसमें पर तो डिबेट हो रही है, अब 4 बाबू और 4 चपरासी के विरुद्ध एफआईआर पर तो मैं यहां बैठूंगा नहीं शो करने के लिए कि ये कल को ये आए कि 4 बाबुओं के खिलाफ रिपोर्ट हो गई और उनको दरोगा ने पकड़ लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा उत्तराखंड के ऊपर? मूल बात है मैसेज जाए तो शीर्ष से जाए, सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, जनता के पास एक मैसेज होना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं, अन्यथा हमने देखा छोटी मछलियों को फ्राई कर देते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश वाले सेगमेंट में कह रहा था, कुंडा में जिसको लेके सबसे ज्यादा बवाल, वो फ्री और छोटी छोटी मछलियां डीप फ्राई हो रही हैं, डीप फ्राई सीबीआई वहां डीप फ्राई कर रही है। तो अगर यही करना है, छोटी मछलियों को डीप फ्राई करना है, तो आज से भाटी आयोग पर चर्चा बंद करें, उत्तराखंड के पानी बिजली की समस्याएं उठाएं, गरीब लोगों के हित की बात करें, भाटी आयोग पर क्यों समय खराब करूं मैं? धस्माना साहब जी, मैं बिल्कुल आपको इस बात का भरोसा आपके चैनल से दिलवाना चाह रहा हूं, पूरे राज्य की जनता को दिलाना चाह रहा हूं कि भाटी आयोग में जिन भी व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, बिना किसी प्रेम के और बिना किसी पूर्वाग्रह के,
जो भी उसमें दोषी लोगों के बारे में कहा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एफआईआर होगी। अरे कार्रवाई तो अब जैसे सुबोध उनियाल कह रहे थे कि साहब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उसके विवेक के ऊपर है कि वो उस रिपोर्ट को पढ़ के कितने लोगों को जीरो इन कर पाता है। किसी उत्तराखंड के किसी दरोगा की औकात है क्या कि निशंक के दरवाजे खड़ा हो जाए।